Hello friends, good morning. Never change your originality for the sake of others, because no one can play your role better than you. Guys, बहुत ही अच्छा quotation है. इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें लिखा है कि आप कभी खुद की originality को change मत करो. आपकी असलियत जो है, आप जो हो, उसको बदलने की कोशिश मत करो. For sake of others, किसी दूसरे के लिए खुद को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो. Because no one can play your role. क्योंकि तुमसे अच्छा तुम्हारा रोल तुम्हारे जीवन को कोई और नहीं जी सकता. जो तुम अपने जीवन को जी सकते हो, तुमसे अच्छा दूसरा कोई भी नहीं जी सकता. और ना तुम किसी को जीवन को अच्छे से जी सकते हो. सो गाइज, सो वी योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट. तो तुम जो हो उसी बने, वो ही बने रहो, क्योंकि तुम अपने आप में सबसे अच्छे हो. गाइज, सबसे महत्वपूर्ण है हम जो है ओरिजिनल होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए. तो चलिए गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. इसी मोटिवेशन क्विट के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, IRCTC द्वारा विशेष पर्यटक ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस को किस राज्य या यूटी से शुरू किया गया? तो आपको इसका आंसर देना है कि IRCTC एक विशेष पर्यटक ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस को किस राज्य या यूटी से शुरू किया गया. गाइज, इसका आंसर है न्यू दिल्ली. इसे न्यू दिल्ली से स्टार्ट किया गया. IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड इंडियन कैटरिंग एंड इंडियन टूरिज्म कॉरपोरेशन. तो गाइज, इसको नई दिल्ली से शुरू किया गया, और IRCTC का मुख्य कार्य है कि जो रेलवे टिकट बुकिंग और को सुविधाजनक बनाना. तो गाइज, इसकी डिटेल से देखते हैं. IRCTC ने हाल ही में घोषणा की है कि भारतीय रेलवे एक विशेष तीर्थयात्रा पर्यटक ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस संचालित करने जा रही है. IRCTC की विशेष ट्रेन जो भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों को कवर करेगी, या इसे रामायण सर्किट ऑफ इंडिया के रूप से भी जाना जाता है. इसे 28 मार्च से नई दिल्ली से शुरू किया जाएगा, और इसे 28 मार्च नई दिल्ली से शुरू किया जाना है. इसमें 5 AC 3 टियर और इतना सब कुछ नहीं पूछा जाएगा. आपको इतना याद होना चाहिए कि इसे रामायण सर्किट ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, और इसे 28 मार्च से शुरू किया जा रहा है. ये सभी राम भगवान के जो तीर्थ स्थल रहे हैं उनको आपस में जोड़ेगी, कवर करेगी. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती को किस राज्य में महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया? तो आपको बताना है कि जो जयललिता है, इनको महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में किस सरकार ने घोषित किया है? तो गाइस, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है. यहाँ के CM इदापल्ली के स्वामी पलानी स्वामी बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं. और इनके बारे में देखिए कुछ जानकारी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी ने हाल ही में राज्य विधानसभाओं में घोषणा की कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, जिनका जन्मदिन 24 फरवरी को होता है, को महिला और बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के लिए भी एक कल्याणकारी योजना शुरू की है. उनके जो उलेमाएँ होते हैं, उनके पेंशन को दुगना कर दिया है. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिव्या काकरण किस खेल से संबंध है? आपको बताना है दिव्या काकरण भाला फेंक है, या कुश्ती, या क्रिकेट, या बैडमिंटन. तो इसका आंसर है कुश्ती से संबंधित है. दिव्या काकरण, यहाँ पे डिटेल में देखिए आप, दिव्या काकरण ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता. नई दिल्ली में आयोजित कुश्ती एशियाई, जो मैंने बताया था, नई दिल्ली में अभी तक हम 8 पदक जीत चुके हैं, तो उसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है. दिव्या ने 68 किलोग्राम वर्ग में सभी 4 मुकाबले जीते. और अन्य भारतीय पहलवान आपको याद रखना है, जैसे पिंकी पहलवान, सरिता मोर आदि ने भी 55 किलोग्राम, 59 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं. ओके गाइज, इससे पहले आशु, आदित्य, हरदीप ने ग्रीको रोमन कुश्ती में भी भारत के लिए कांस्य पदक जीता था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत के प्राचीन भोजन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में. इसके बारे में, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमिकल इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. यह भारत के प्राचीन खाने पर, इतिहास पर आधारित अनूठी प्रदर्शनी है, जो हमारे 5000 से अधिक सालों की यात्रा कराती है. मतलब जो हम भारत में जो पिछले 5000 सालों से जो भोजन आता, मतलब भोजन को हम लोग खाते आए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी देखने को मिलेगी. तो यदि आप दिल्ली से हैं तो आप जा सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अमर एकुशे को मनाया गया?
अमर एकुशे को किस देश में मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया। ये शहीद दिवस अमर एकुशे बंगाली भाषा में है और इसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है शहीद दिवस। तो गाइस बांग्लादेश में बांग्ला भाषा आंदोलन में जान गंवाने वाले शहीदों की याद में 21 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में, ये हमारी पिछली खबर है, 21 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे अमर एकुशे के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन हर साल भाषा आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। मैं एक अलग से सेशन दूंगी इस क्वेश्चन पे, दे दूंगी, यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दें तो मैं इस पे अलग से कि ये पूरा मैटर क्या था, भाषा आंदोलन क्या था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के नाम पर कहाँ एक अत्याधुनिक बैडमिंटन अकादमी और बैडमिंटन और स्टेडियम तैयार किए जाने की घोषणा की गई है? ओलंपिक रजत विजेता है पीवी सिंधु, आपको याद रखना है। तो ये हमारी की गई है चेन्नई में। कहाँ की गई है गाइस? चेन्नई में की गई है। तो इसका तमिल हाल चेन्नई में की गई है, आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने अभी आपको तमिलनाडु, चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इदापल्ली के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को पानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूली घंटों के दौरान कम से कम 3 बार घंटी बजाने की अनोखी पहल शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, MH। इसका मतलब ये होगा कि बच्चों में जो पानी की कमी की समस्या देखी जाती है वो यहाँ से दूर होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी, इनकी हम कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छी पहल है, यह नियमित अंतराल पर पीने के पानी की आदत का विकास करते हुए महाराष्ट्र के छात्रों को पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करेगा और करने के लिए स्कूली घंटों के दौरान कम से कम 3 बार घंटी बजाने की एक अनूठी पहल की है। स्कूली बच्चों में बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण निर्जलीकरण होता है। आपने देखा होगा कि बहुत पानी कम हो जाता है तो बिल्कुल मतलब सबसे कम पानी होता है इसलिए बहुत सारी बीमारियां होती है। तो बच्चों को कम से कम 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, जो बच्चों की उम्र, ऊंचाई और वजन के अनुसार बदलता रहता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने थाई मांगुर मछली पर प्रतिबंध लगा दिया है? थाई मांग और मछली पर किसने प्रतिबंध लगाया? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने लगाया? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। इसके बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने थाई मांग और मछली पर प्रतिबंध लगा दिया है और विदेशी के सभी खेती केंद्रों को नष्ट करने का भी एक विशेष अभियान शुरू किया है। ये शरीर के लिए बहुत ही अस्वस्थकारक है, इसलिए इनकी खेती अत्यधिक अस्वस्थकार परिस्थितियों में की जाती है, जिसका परिणाम अंततः उन लोगों को गिरते स्वस्थ के रूप में होता है जो इनका सेवन करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस कदम से पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2000 में पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको NGT की स्थापना और NGT के हेड बताने हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 दिवसीय नेशनल जैविक खाद महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है 3 दिवसीय नेशनल जैविक खाद महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया गाइस। और कहाँ किया गया है नेशनल खाद जैविक महोत्सव का उद्घाटन? आपके किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया गाइस? न्यू दिल्ली में। तो देखिए इसका न्यू दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट। जैविक राष्ट्रीय राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव 3 दिवसीय लंबे उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में 21 फरवरी 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा किया गया। इसमें कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि यह महिलाओं के वित्तीय समावेशन सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी था और उसके लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और हमारी WCD मिनिस्टर, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और WCD मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी हैं और ये हरसिमरत कौर बादल, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के अच्छे और खाद उनके प्लेटफॉर्म को महिला वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण के लिए है। ठीक है गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के में भारतीय मूल के एस्टेट श्रमिकों के लिए बागान स्कूलों में बुनियादी ढांचों के उन्नयन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। किसके साथ किया गया है? श्रीलंका। तो इसके बारे में देखिए, भारत और श्रीलंका ने भारतीय मूल के एस्टेट श्रमिकों के लिए बागान स्कूलों में बुनियादी ढांचों के उन्नयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 9 करोड़ के भारतीय अनुदान की सहायता के तहत श्रीलंका द्वारा पहचाने गए 9 बागान स्कूलों
में बुनियादी ढांचे पर उन्नयन की परिकल्पना करती है। ये परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा श्रीलंका के साथ जन उन्मुख विकास सहयोग का हिस्सा है और इसका एक और मेन उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच संबंध को गहरा करना जिससे चीन को काउंटर करने का है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन NTPC द्वारा संचालित पावर जॉइंट का मुख्यालय किस राज्य में है? तो आपको बताना है ये मुंबई, हैदराबाद, अमरावती या नई दिल्ली। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले गाइस NTPC क्या होता है? ये एक महारत्न कंपनी है और आपको यदि आप कमेंट महारत्न कंपनी के बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। गाइस कमेंट में आप क्रिटिसाइज करते हो, आप अप्रिशिएट करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन कमेंट मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जिनको पढ़ना होता है, मैं कंटेंट दे रही हूँ, कंटेंट करते हैं, कवर करते हैं, मेरा आंसर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने आते हैं, बिल्कुल करो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, करना चाहिए, हमें अपने हिसाब से बिल्कुल आपको सबको बिल्कुल करना चाहिए क्रिटिसाइज़, अधिकार है। बट गाइस ध्यान रखना क्रिटिसाइज़ करने के साथ साथ कभी वो बच्चे मुझे आंसर नहीं देते तो आपको आंसर देना है। क्रिटिसाइज़ करें ऊपर अच्छा लंबा नोट लिख दिया करो बाद में, लेकिन बाद में आंसर दे दिया करो, चाहे एक लाइन का दो आंसर। ओके गाइस चलिए नेशनल थर्मल पावर प्लांट NTPC, तो आपको ये बताना है कि हमारे भारत में कुल महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं। ठीक है गाइस 10 हैं या 11, मैं हिंट कर दे रही हूँ, आप आंसर दे देना। तो सबसे पहले इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और ये 2016 में विश्व में 2000 में से 400वां स्थान था, याद रखना है गाइज आपको। ये सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। सबसे पहले ये कौन सी कंपनी है? ये विद्युत उत्पादक कंपनी है, मतलब विद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी कंपनी है। और 2016 में क्या था गाइज? ये 2016 में, ध्यान से सुनना मैं जो बता रही हूँ, इसमें जो 2000 विश्व की 2000 कंपनियां ली गई थी उसमें से इसको कौन सा स्थान मिला था? 400वां स्थान मिला था, बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे भारत की महारत्न कंपनी है, तो 2010 में इसको महारत्न कंपनी बन गई थी, आपको ये भी याद रखना कब बन गई थी, 2010 में महारत्न कंपनी बन गई थी। और इसके जो CEO है, ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, इसकी CEO कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। ठीक है गाइस, ये देखिए मैंने डिटेल लिखा है यहाँ पे। NTPC लिमिटेड से पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो बिजली से संबंधित गतिविधियों के व्यापार में संलग्न है। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित कंपनी है। इसका प्रचार भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह कंपनी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ओके गाइज ये थे आज के आपके क्वेश्चन। अब आपको एक ये देखिए, ये हमने जो आपको बोला था कमेंट ऑफ द डे, तो रुचि सिंह SK, ये बहुत ही ऑबिडेंट है, डेली कमेंट करती है, डेली आंसर देती हैं। तो रुचि वेरी गुड, ये इन्होंने डिटेल में आंसर दिया है, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी दी है। रुचि वेरी गुड, आप ऐसे ही लगे रहो, वेरी गुड। चलिए गाइस इसके साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी मैं कुछ कन्वर्सेशन चाहती हूँ आपसे गाइस। मैंने जो अभी पहले बोला कि क्रिटिसाइज़ करें आप बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप आंसर दिया करें। आप मैंने बोला था सर कुछ दिन के लिए गए, तो जब तक वो नहीं आते जब तक आपका सेशन मैं ले रही हूँ, मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ सर के जैसा, सर आएंगे तो आपका पूरा रिवाइज करा देंगे ना। और जब तक वो नहीं आ रहे हैं, वो सपोज़ अभी नहीं आ पा रहे हैं बहुत दिन, अभी वो थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो आप उनका सपोर्ट कीजिए ना। मैं जो कंटेंट दे रही हूँ वो सर के द्वारा मुझे दिया जाता है, तब मैं आपको वो देती हूँ, तो मैं अलग से कहीं से नहीं लाती हूँ। सर दे रहे हैं कंटेंट, मैं वो आपको दे रही हूँ। तो गाइस ध्यान रखो, आप अच्छे से वीडियो को देखा करो। आपको कभी मतलब मेरे एक पर्सनल प्रॉफिट नहीं है ये कोई, मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको ध्यान रखो। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। चलिए गाइस इसके साथ थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।